ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। एंड गाइस इसमें क्या होगा कि गाइस आपको जो ये फोटो को जब एडिट करना है ना गाइस, उससे पहले गाइस आप सभी को जो फोटो को क्लिक करवाना है गाइस, आप लोगों को किसी अपने एक फ्रेंड के साथ फोटो क्लिक करवा लेना है, ठीक है? जैसे कि गाइस आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो गाइस वैसे ही आप सभी को पहले किसी अपने फ्रेंड के साथ फोटो को क्लिक करवा लेना है। देन गाइस आप सभी को उसमें पीएनजी वगैरह कैसे लगाना है सब कुछ आप सभी को आगे का प्रोसेस जो भी है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी ऑसम होने वाली है, तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज आप सभी को जो गाइज ये मॉडल होगा गाइज जो आप फोटो क्लिक करोगे गाइज पहले आपको उसको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। देन गाइज आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है दोबारा ऐड फोटो में। उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को ये पीएनजी लेना है गाइज, ठीक है? डियर का जो पीएनजी गाइज आपको लेना है। एंड गाइज इसके बाद आप सभी को पीएनजी गाइज आपको पहले अपने फेस के जो आपका दूसरा जो फ्रेंड होगा जो भी है उसके आपको फेस के पास कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है? एंड गाइज इस टाइप से रखना है मतलब कि जो साइज़ ज़्यादा बड़ा भी ना लगे एंड ज़्यादा छोटा भी नहीं लगे, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पर पीएनजी को रखना है। उसके बाद गाइज आप सभी को फिर करना गाइज आप सभी को ओपेसिटी कम करके ये चीज़ चेक करने की गाइज आपका जो डेयर है उसका नेक जो है आपके दूसरे मॉडल के नेक के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? आप सभी को साइज़ को भी फिर उसी टाइप से रखना है, ठीक है? जैसे कि गाइज आपका वीडियो में दिख रहा है। फिर आपको गाइज ऐसे रख देने के बाद आप सभी को फिर करना गाइज आप सभी को ओपेसिटी यहाँ पे फुल कर देना है। देन गाइज जाना आपको रिजर टूल में इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है। ब्रश को लेने के बाद गाइज आप सभी को टी शर्ट या जो भी शर्ट पहनी होगी आपके दूसरे मॉडल है उसके हिसाब से आप सभी को कुछ इस टाइप से पेंट करना है, ठीक है? मतलब कि जो टी शर्ट के ऊपर ऊपर के तरफ ही करना है, जो मतलब जहाँ तक नेक है आपके मॉडल का वहीं वहीं तक आपको कुछ इस टाइप से पेंट करना है, यानी सर्कल टाइप का बना देना है, ठीक है? ऐसे करना है। एंड मतलब कि आपकी टी शर्ट या शर्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जितना भी एरिया आप पेंट करोगे बाकी इतना कर देने के बाद आप सभी को सिंपली ऐसे पेंट कर देना है पूरे में, मतलब कि जहाँ तक ये डेयर का पीएनजी है तो वहाँ तक आप सभी को पेंट कर देना है अच्छे तरीके से, ठीक है? तो हम इसको फटाफट करते हैं गाइस और आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आप सभी को आगे बताता हूँ। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस अभी तक क्या मतलब कि कई भाइयों को ऐसा लग रहा होगा कि जो अभी पीछे दूसरा मॉडल है वो तो अभी दिख ही रहा है, बट उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, फिर एक क्लोन टूल का ऊपर जाएंगे ऑप्शन में। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको सिंपली एक साइड को टैप करना है एंड उसके बाद आपसे कुछ ऐसे पेंट करना है, ठीक है? एंड गाइस अगर आप किसी भाई को अगर अच्छे तरीके से अगर एकदम डिटेल में समझना तो गाइस मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना उस वीडियो को, तो आप लोगों को मतलब इसमें से काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है? तो आप उस वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप सभी का उस वीडियो पर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग चेकआउट जरूर करना इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी मैं इसको फटाफट करता हूँ एंड आगे का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। ओके गाइस, सो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको ये पीएनजी लेना है गाइस, ये ब्लैक कलर की जो शीट है इसको लेना है एंड इसको फुल साइज करके इन्वर्ट कर देना है। इरेजर टूल में जाना है, फिर उसके बाद आप सबको क्या करना है, आपको फोटो को जूम करना है। एंड गाइस फोटो को जूम करने के बाद आप सबको कुछ इस टाइप से पेंट करना है, यानी कि मतलब एक शेडो टाइप की बनानी है हमें यहाँ पे, ठीक है? तो गाइस ये जो है साइज हम यहाँ पे थोड़ा सा वो छोटा रखेंगे एंड गाइस कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे ऐसे पेंट करेंगे, ठीक है? पूरा मतलब कि पूरा जितना भी नेक है वहाँ तक पूरे में कर देंगे पेंट। एंड उसके बाद आपको फिर आगे क्या करना है गाइस वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पे इतना कर दिया हमने, अब इसे डन करते हैं। एंड गाइस इसकी ओपेसिटी जो होगी उसको आपको गाइस यहाँ पे कम रखना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं रखना है एंड कम रखना है, अराउंड 50 तक कुछ रख लेना एंड उसके बाद कर देना है डन, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद आप सबको फिर करना दोबारा एड फोटो में जाना। एंड गाइस यहाँ पे आप सबको एक ग्रास का पीएनजी लेना है, ठीक है? एकदम ब्लर पीएनजी है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ छेड़ छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली ऐड करना है कुछ स्टेप से फ्रंट पर लगा देना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सबको डन कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे आप सबको अपनी फोटो सेव कर लेना है एंड इसको लेके चलना है ऐसे आपको लाइटरूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो हम इसको ले चलते हैं। एंड गाइस अभी आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ से पहले तो जाना है ऐसे लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक है? एंड इसको इसका जो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ा देना है एंड जो गाइस इसका हाईलाइट है गाइस इसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस शेडो है इसको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है? फिर जो व्हाइट होगा गाइस इसको भी यहाँ पे आपको कम कर देना है एंड जो ब्लैक होगा इसको भी हल्का सा कम कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में एंड जो गाइस फोटो की वाइब्रेशन होगी आपको उसको बढ़ा देना है
एंड जो गाइस टेम्परेचर होगा इसको कम कर देना है, फिर जाना वो कलर मिक्स में, यहाँ पे आप सभी को येलो कलर लेना है, इसका ह्यू आप सभी को माइनस कर देना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको प्लस कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको ग्रीन कलर लेना है, इसका भी ह्यू माइनस कर देना है एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है, ठीक है। आप बैकग्राउंड चाहो जैसे भी कलर में आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देन जाना है आपको येलो कलर सॉरी ब्लू कलर में, इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है यहाँ पे, एंड यहाँ कर देना आप सभी को डन। फिर गाइस आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला ऑप्शन, आपको इसमें जाने के बाद आपको इसकी फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपसे जो फोटो है सॉरी फोटो में जो विगनेट है वो आपको अपने हिसाब से डाल देना है। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको अभी मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको इसको बढ़ा देना है। एंड यहाँ पे मिलेगा आपको नोइड रिडक्शन, आपको इसको बढ़ा देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोइड रिडक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलेगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।